यूथ के रोल मॉडल हमारे बीच में हैं मिसेज नेहा जोशी मैम, और मैं चाहता हूं आप उनको स्टेज पे बुलाना। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नेहा जोशी मैम, वेलकम मैम। धन्यवाद अंकित। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी लोगों को, गाजियाबाद के इंदिरापुरम को, आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रमन को और उसकी पूरी टीम को, ये प्यारे हमारे यंग साथी जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे डांस किया। मेरा पूरा मन कर रहा था कि मैं आपको ज्वाइन करूँ, तो इसके बाद करना पड़ेगा ऐसा मेरे साथ भी, पक्का। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आज कितने पहाड़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ आए हुए, थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए। अब ये देखिए उत्तराखंड की पूरी ताकत यहाँ, तो थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम नेहा जोशी है, मैं देहरादून से हूँ, मूलतः पिथौरागढ़ से हूँ, लेकिन हमारे दादाजी आर्मी के थे, देहरादून आ गए, मेरा जन्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मैं, जिसका मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है, वो है कि मैं एक पहाड़ी हूँ। और एक मिशन जो मेरी जिंदगी का है वो ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोग मराठा होने पे जिस तरीके से गर्व की अनुभूति करते हैं, गुजरात के लोग जिस तरीके से गुजराती होने पे गर्व की अनुभूति करते हैं, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी, उत्तराखंड का जहां भी व्यक्ति बसा हो, वो अपने का आपको एक प्राउड पहाड़ी, प्राउड उत्तराखंडी कहे। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि रमन पहाड़ी बन के दिखाएंगे। उसके लिए एक बहुत अच्छी ड्राइव आज जहां लॉन्च की, एक बहुत अच्छी मुहिम प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च की है प्लास्टिक हटाने की। तो उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट आए, हम उनको ये बताएं कि जब आप पहाड़ में जाते हैं तो आप जब वापस आए तो अच्छी यादें लेकर आए, अच्छे विचार लेकर आए, और वहां जो छोड़ के आए वो अच्छी बातें छोड़ के आए, वही पहाड़ के लोगों के लिए यादें छोड़ के आए, प्लास्टिक मत छोड़ के आए। और आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो दोस्तों को दिन दूर नहीं है कि ऐसा भी मौका आ सकता है। बहुत ही दर्द होता है जब उन बुग्यालों की तस्वीरें हम देखते हैं जहां ट्रैकर्स टनों टन प्लास्टिक छोड़ के आते हैं, दर्द होता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, हम एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट से आते हैं, हम सीधे लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं, हम सीधी बात करते हैं, और वो सीधी बात करते हैं कि हमें लोगों को समझाना है कि जब आप उत्तराखंड में आएंगे तो देवभूमि समझ के अगर आते हैं तो देवभूमि को वैसा ही सम्मान भी देंगे। एक और बात जो रमन ने बहुत अच्छी कही और मुझे लगता है मुझे वो पर्सनली बहुत क्लिक की है कि प्लान टूरिज्म। आप जब बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो आपको हर तरीके का खाना उपलब्ध है, आपको हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा पहाड़ अलग है, यहाँ आपको प्रकृति ऐसा देगी अपरंपार कि उसकी आप कहीं कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहेंगे कि कैपेचिनो वहां पर मिले तो हो सकता है नहीं मिलेगा। लेकिन सिंपल ढाबे की बनी हुई चूल्हे की चाय में कैपेचिनो से ज्यादा स्वाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत जरूरी है कि जो टूरिस्ट यहाँ से जाता है वो ये मान के जाए कि उत्तराखंड जा रहे हैं तो प्रकृति के साथ एक होने जा रहे हैं, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, पहाड़ की संस्कृति जो देवभूमि हम बोल रहे हैं, देवभूमि के विचारों को, वैल्यूज को समझने जा रहे हैं। आज हम सब लोग जो दिल्ली में हैं, हम एक तरीके से उत्तराखंड के एम्बेसडर्स हैं, है कि नहीं है? हम दुनिया में कहीं भी हो, हम उत्तराखंड के एम्बेसडर्स हैं, ये भूमिका हमें निभानी है। तो हम जहां काम करते हैं, अपने ऑफिस के साथियों को, कॉलेज के दोस्तों को, सबको हमें प्रोत्साहित करना है कि आप जाइए उत्तराखंड देखिए, और उत्तराखंड पहाड़ी तरीके से देखिए, दिल्ली के तरीके से मत देखिए। तो ये अपेक्षा ठीक करने का काम हमें ही करना है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ रमन को, उसकी पूरी टीम को, आपके इस कैंपेन को, और आप सब लोगों को जो आज इस मुहिम से जुड़कर पहाड़ी एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ रमन कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया एक बार फिर से अपनी टीम का
पहन के आती आज, ये मैं जरूर बोलूंगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। एक बार फिर यही कहते हुए कंग्रेचुलेशन आपको और आपकी टीम को। जहां भी रहे गर्व से कहें कि हम उत्तराखंड